कैसे हो सब लोग। तो फिर से स्वागत है कि नए व्लॉग में। भाई रात कल रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था जैसलमेर, तो किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप मेरे यहाँ पर आ जाना, मेरा एक होटल है तो आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा और यहीं पे आपको आप रह भी लेना और रहने खाने पीने की सारी चीज़ें सुविधा मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आ गया था, भाई ने मेरा यहाँ पर करवा दिया था। अभी आपको उनसे मिलवाते हैं जिनका ये होटल है, और इस होटल का नाम है जैसलमेर बुटीक के नाम से ये होटल है। बाकी आप देख सकते हो रूम काफ़ी अच्छा है, बस मैंने ही ख़राब कर दिया इसको। बाकी आप देख सकते हो दीवार है और ये लाइट सच में बहुत अच्छी लग रही है मुझे। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है और जो दीवार जो पत्थर से बनाए गए होटल है यार, सच में देखने में बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी लॉक कर देते हैं। तो भाई साहब ये रिसेप्शन है आप देख सकते हैं, और अभी मिलवाते हैं जिनका ये होटल है। इन भैया का होटल है और ये झुंझुनू से है। भैया आपका नाम? गोविंद सिंह यादव। गोविंद सिंह यादव नाम है। भैया ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि कह रहे नंबर वंबर दिया मुझे और बोले और कहा कि आप मेरे यहीं पे आ जाना, मेरा एक होटल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ और आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। होटल का व्यू देखिए आप, सच में यार इतना प्यारा लग रहा है। और जैसलमेर बुटीक के नाम से ये आपको जैसलमेर के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर बाइक ले जा सकते हैं, तो आप देख सकते हो यार किले के अंदर आप बाइक भी ले जा सकते हो। सामने सूरज आ गया नहीं तो व्यू बहुत खराब। अभी हम किले के एक कुछ गलियों में आ चुके हैं। पहले कहा जाता था कि जो प्रजा हुआ करती थी वो भी किले के अंदर जा करती थी, और अभी फ़िलहाल हम छोटी छोटी गलियों के बीच में से गुजर रहे हैं और यहाँ पर अब दुकानें खुल चुकी हैं और लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। ओके तो गैस ये जो सामने आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसको देख सकते हैं आपने, इसको शायद आपने अगर मूवी देखी होगी नन्हे जैसलमेर तो उस मूवी में देखा गया है। तो ये पहले घर हुआ करता था बट अभी इसको कंस्ट्रक्ट करके इसको कुछ अलग बनाया जा रहा है। तो आपने नन्हे जैसलमेर मूवी देखी होगी तो आपने यहाँ पर काफ़ी ऐसे व्यू देखे होंगे जो आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हो। माय गॉड, हाँ अभी से देखो पहले तो यार गोला नहीं है अभी। और बाकी आप जैसलमेर का व्यू देखिए यार आप पूरा। ये गढ़ीसर लेक है, आपको यहाँ से यार व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है यार, अमेजिंग गाइस। और जैसे हम किले में आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैफे मिल जाएंगे। हाँ जी गाइस देख सकते हो पीछे मेरे आप पूरा जैसलमेर। हाँ एक व्यू पॉइंट वो था, एक दूसरा पॉइंट व्यू पॉइंट ये है। तो भैया हमें पूरा किला घुमा रहे हैं और कुछ जानकारी भी दे रहे हैं यहाँ के बारे में। जितनी भी तोबे हैं ये पहले चला करते थे, अब तो ये इनको बस देखने के लिए रखा गया है। बाकी एक व्यू पॉइंट यहाँ पर भी है, आप इधर से भी देख सकते हो। अभी हम किले में घूम रहे हैं यार, मेरा ना वैसे एक चीज़ मिस हो गया है, ड्रोन शॉट। अगर काश वो मिल जाता तो सच में यार बड़ा प्यारा शॉट आता, वो आपको देखने में भी काफ़ी मज़ा काफ़ी अच्छा लगता। बाकी अभी गलियों में हम घूम रहे हैं और वैसे किले को अभी पूरा थोड़ा चेंज कर दिया पहले से, काफ़ी दुकानें शुकानें खुल चुकी हैं। और तो भाई जैसलमेर में आए हो और आप ये ना सुने तो फिर एक बार सुना दीजिए। वाह वाह
वाह यार। ओके तो भैया ये पैलेस हुआ करता था और यहाँ पे क्या नाम लेते हैं दरबार लगता था, और ये पैलेस जो है ये भी राजकुमार का हुआ करता था। तो भाई ये दोनों पैलेस हुआ करते थे, ये महल हुआ करते थे पहले, और इसके आसपास में जो प्रजा रहा करती थी वो घर हुआ करते थे आप देख सकते। वैसे किले में ज़्यादातर आपको घूमने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, बट आप यहाँ पे आके शॉपिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, और जहाँ आपको हर गली जहाँ पर भी आप जाओगे पूरी मार्केट आपको ऐसे ही सजी हुई मिलेंगी आप देख सकते हो। तो भाई हम किले को घूमते घूमते हम आ चुके हैं जैन मंदिर के पास, जो कि 1509 में बना था। तो भैया यहाँ से गुजर रहे थे तो भैया की तरफ से ये गिफ्ट दिया है भैया ने, आई लव जैसलमेर का, और अच्छा पोस्ट कार्ड है और संभाल के रखेंगे हम इसको, अपने बैग के साथ लगाएंगे भी। और बाकी आप यहाँ पे पोस्ट कार्ड काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट कार्ड हैं, अगर आप कभी भी आओ तो आप ले सकते हो। वैसे एक पोस्ट ये कितने का, 30 रुपीज़ का, तो ये छोटे वाले जो हैं ये 30 रुपीज़ के हैं, और ये वाले ये भी 30 का है, और जो बड़े हैं थोड़ा वो बड़े वाले 80 रुपीज़ के हैं, 80 रुपीज़ के। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट कार्ड हैं, आप जरूर एक आते हो तो। और ये मैग्नेटिक, अच्छा ये स्टोन वाले, ये स्टोन वाले हैं, वुडन वाले हैं, ओके, स्टोन वाले, ब्रास वाले, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के, ओके। जो स्टोन वाले और वुडन वाले क्या प्राइस है उनका? वुडन वाला आपको 100 का आ जाएगा, स्टोन वाला आपको 200 का आ जाएगा। तो ये भैया का होटल था और हम जा रहे हैं अभी कार से डिजर्ट कैंप भैया के। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं कुलतरा विलेज, जो कि कहा जाता है कि एक भूतिया विलेज है, और आपको दिखा देता हूं थोड़े यहां की शॉट, थोड़ी सी जगह है, और बाकी आप सनसेट हो रहा है पीछे, ये देखो यहाँ पे टूटे टूटे घर, पर आज भी यहाँ पर घर हैं, और सामने आपको ये मंदिर भी दिख जाएगा इस गांव के अंदर। और फिर भी देखो मंदिर होने के बाद में भी ये गांव भूतिया गांव इसको बोला जाता है, और इसकी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको मैं बाद में आपको बताऊँगा। हाँ आज भी यहाँ पर घर पूरे बने हुए हैं। आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे पे अब हम जा रहे हैं आज तनोट माता मंदिर, और एक भाई और आए हैं हमारे गोविंद भाई, जो कि है कन्याकुमारी से और साइकिल से आए हैं, और सच बता रहा हूँ एटलस साइकिल से यार, कोई गियर वाली साइकिल नहीं है, मेरे पास तो गियर वाली साइकिल है यार। और भाई 65 दिनों के अंदर जैसलमेर आ गए साइकिल से, और आगे इनका प्लान है कि ये कश्मीर, ये कर रहे थे कन्याकुमारी टू कश्मीर, तो ये प्लान है ना। और इसके बाद में भाई का प्लान है कि क्या प्लान है, कन्याकुमारी टू इंटरनेशनल नेपाल भूटान करने का। तो भाई देख सकते हो जज्बे को सलाम है भाई के, और मैप लिस्ट के नाम से भाई का, मैप लिस्ट के नाम से भाई का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, तो आप जाकर एक बार देखिए। तनोट ट्राई माता मंदिर जा ही रहा था तो बीच में ये कनाल पड़ी है, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कनाल बोला जाता है, इंदिरा गांधी कनाल, जो कि पंजाब हरियाणा से निकल के आती है, और सच में इसमें अभी भी पानी है आप देख सकते हो। और फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ लोंगेवाला विलेज, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है लोंगेवाला विलेज मेमोरियल, ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर। बाकी आपको यहाँ पे इंडियन टैंक और ये जो बीच में खड़ा हुआ है पाकिस्तानी टैंक, आ तो गया था बट ये बेचारा वापस नहीं जा पाया, इसकी किस्मत बहुत ख़राब थी, इसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया है।
ये बंकर वही है जिसमें जगजीत सिंह ने अपनी कमान संभाली हुई थी, और यहीं से किलोमीटर दूर ही, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान का बॉर्डर आप देख सकते हो। और ये बंकर बने हुए हैं, और यहीं से जगजीत सिंह फायर कर रहे थे और काफ़ी टैंकों को जगजीत सिंह ने उड़ा दिया था। तो यही वो बैटल ग्राउंड था। इमेजिन कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ सच में उस टाइम कितना ख़तरनाक होगा। आप सामने देख सकते हो ये जो ट्रक है उस टाइम का पाकिस्तानी ट्रक है, और इधर एक टैंक खड़ा हुआ है पाकिस्तान का, तो इसी पे मैं जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान का टैंक है, आप देख सकते हो। देखो गाइस, ये पाकिस्तान टैंक की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान वालों, आप अपने टैंक को देखो एक बार पहले, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखना कि इसको भेजा क्यों था। और सच बता रहा हूँ, ये टैंक खड़ा है और ये हमारे बंकर्स हैं उधर, बंकर्स थे जिनमें हमारे महंस, जिनमें हमारे सैनिक थे और घात लगाए बैठे थे कि कब पाकिस्तान वाले आएँ और हम उनके टैंकों की हालत ये कर दें। और इधर से ये लोग आए थे, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान बॉर्डर है, सच बताएं। और ये कुछ चौकियाँ बनी हुई हैं। हाँ, जाना कहाँ है अब? तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं तनोट्राई माता मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल अपने बॉर्डर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है ये मंदिर। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी ने यहां पर काफ़ी सारे बम गिरा थे, और मंदिर को एक रोज तक नहीं आई थी। एक बजा है कन्याकुमारी से, दूसरा राज्य वाला साइकिल लेके।